अमेरिका में 2022-23 में सोयाबीन का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। विपणन वर्ष 2022-23 सितंबर-अगस्त में अमेरिका में सोयाबीन का रिकॉर्ड 125 मिलियन टन उत्पादन होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार अमेरिका में सोयाबीन की बुआई का रिकॉर्ड रकबा रह सकता है। जानकारों के अनुसार रिकॉर्ड रकबे और रिकॉर्ड उत्पादन से इसकी टाइट सप्लाई में कुछ राहत मिलेगी। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने महंगाई को और तेज किया है, जिससे इसका असर कई चीजों समेत खाद की कीमतों पर भी पड़ा है। अमेरिका में इस बार किसान की रिकॉर्ड बुआई का मन बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि खाद की कीमतें बढ़ी हैं और सोयाबीन में मक्के के मुकाबले कम खाद का इस्तेमाल होता है। इसलिए अमेरिकी किसान इस बार मक्के की जगह सोयाबीन की फसल पर शिफ्ट होंगे और लगभग अभी तक के रिकॉर्ड 91 मिलियन एकड़ में इसकी रिकॉर्ड बुआई करेंगे। पिछले कुछ दिनों से यूएस सोयाबीन वायदा में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अमेरिकी सोयाबीन में आई इस गिरावट के बावजूद कीमतें पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले तेज ही हैं। ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के चलते सोयाबीन उत्पादन पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है। वहीं वैश्विक स्तर पर सोयाबीन और इससे बने उत्पादों की डिमांड बढ़ रही है। दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन के आयातक चीन की सोयाबीन के दाम बढ़ाने में पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अहम भूमिका रही है। चीन के पशुधन और पोल्ट्री सेक्टर से खल की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते चीन के सोयाबीन के रिकॉर्ड 100 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि लगातार बढ़ रही खाद की कीमतों के चलते भी अमेरिकी किसानों ने मक्के की बजाय विपणन वर्ष 2022-23 में सोयाबीन की फसल को तरजीह दी है। दरअसल सोयाबीन में मक्के की तुलना में कम खाद का इस्तेमाल होता है, इसलिए अमेरिका में सोयाबीन की खेती ज़्यादा रह सकती है। जब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, खाद की कीमतें जबरदस्त बढ़ी हैं। इसका असर विश्व भर में खाद की कीमतों पर देखने को मिल रहा है, वो भी ऐसे समय में जब इसकी मांग काफ़ी मजबूत है और सप्लाई काफ़ी टाइट। वहीं दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक देश ब्राजील में विपणन वर्ष 2021-22 में लंबे समय तक सूखे के कारण सोयाबीन का उत्पादन अनुमान रिकॉर्ड 145 मिलियन टन से घटाकर 122 मिलियन टन कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।